दोस्तों रिसेंटली ही R15 V3 के एक अपडेट के बारे में हमने बात की थी और वो अपडेट ये थी कि यामा R15 V3 को एक न्यू रेड कलर स्कीम के साथ लॉन्च करने वाली है। सो दोस्तों फाइनली अभी यामा ने R15 V3 को एक न्यू मेटेलिक रेड कलर स्कीम में लॉन्च कर दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामा R15 V3 के मेटेलिक रेड कलर ऑप्शन के बारे में। सो इस बाइक के प्राइस, फीचर्स, चेंजेस, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज ही के दिन 1 अप्रैल को यामा ने R15 V3 के मेटेलिक रेड कलर को ऑफिशियली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आप यामा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ये चेक कर सकते हो कि यामा ने इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आपको ये बाइक मेटेलिक रेड कलर में कैसी लग रही है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक को परचेज करने के लिए तो आप अपने नियरेस्ट यामा के शोरूम पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि यामा ने इस बाइक की ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक को परचेज करने के लिए तो आप इस बाइक की बुकिंग कर सकते हो। सो दोस्तों फाइनली बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,52,000। दोस्तों यामा की थंडर ग्रे कलर स्कीम का जो प्राइस है उसी प्राइस में यामा ने मेटेलिक रेड कलर को लॉन्च किया है। सो इस बाइक का प्राइस रेसिंग ब्लू और डार्क नाइट एडिशन से कम है। और ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,74,000। दोस्तों मुझे R15 V3 मेटेलिक रेड कलर में काफी अच्छी लग रही है। यामा ने इस बाइक को रेड प्लस ब्लैक ड्यूअल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किया है। इस बाइक का फ्यूल टैंक साइड प्रोफाइल रेड कलर पेंट स्कीम के साथ है और इस बाइक का फ्रंट वाइजर ब्लैक कलर का है। इस बाइक का रियर सेक्शन भी ब्लैक कलर का है। और दोस्तों चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो मैकेनिकली इस बाइक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इस बाइक के अंदर वही सेम 155cc का लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 18.6 PS, मैक्सिमम टॉर्क है 14.1 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर वही सेम वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन असिस्ट एंड स्लीपर क्लच है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच है, ड्यूअल हॉर्न सिस्टम है और रियर रेडियल टायर भी है। दोस्तों कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा इस बाइक में और कोई भी चेंज नहीं है। इस बाइक के अंदर वही सेम फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों यामा ने R15 V3 को मेटेलिक रेड कलर ऑप्शन में क्यों लॉन्च किया है, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो रीजन ये है कि यामा R15 V3 के पूरे स्टॉक को निकालना चाहती है। क्योंकि दोस्तों R15 V3 का न्यू वेरिएंट या फिर कह सकते हैं 2021 मॉडल या फिर वो R15 V4 भी हो सकता है। सो R15 V3 का न्यू वेरिएंट 2021 के एंड तक मार्केट में आने वाला है और इसी वजह से यामा R15 V3 के पूरे स्टॉक को निकालना चाहती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी किसी भी बाइक के न्यू मॉडल को जब लॉन्च करती है तो उस बाइक के ओल्ड वेरिएंट के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर देती है ताकि ओल्ड वेरिएंट का जितना भी स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी निकल सके। सो दोस्तों 2021 के एंड तक यामा R15 V4 को भी लॉन्च कर सकती है और R15 V3 2.0 भी लॉन्च हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने इस बाइक के न्यू वेरिएंट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है। सो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो थी यामा R15 V3 मेटेलिक रेड कलर के बारे में, जो फाइनली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक को परचेज करने के लिए तो आप अपने नियरेस्ट यामा शोरूम से इस बाइक की बुकिंग कर सकते हो, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,52,000। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।